क्या नाम है तुम्हारा? सर आमिर। इसकी स्टेटमेंट लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर कातिल बहुत चालाक और शातिर है, किसी भी वारदात पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ी। ना इकबाल जी। सर जी, तुम क्या समझते थे कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? सर मैंने तो कुछ नहीं किया। जरा थाने चलो तो मैं बताता हूं तुमने क्या किया। जा, जा! काश मौत के भयानक हाथों ने तुम्हें मुझसे अलहदा न किया होता। भाई ज्यादा फनकारी मत दिखाओ, जो लिखा है उस तरह करो। इंसान की हकीकत उन चीजों में नहीं जो वो जाहिर करता है, बल्कि उन चीजों में होती है जो वो नहीं जानता। You know what? What? I can play with your mind anytime I want. मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए उसके अलावा। ये तो बहुत अच्छी बात है। You know what? मेरा भी बॉयफ्रेंड है, मुझे भी कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आजकल की लड़की है ही बकवास। इनको बात नहीं करनी आती लड़कियों से। मैं तो जब किसी लड़की को प्रपोज करूंगा तो सारी जिंदगी याद रखूंगा। No, Sufyan, आप बहुत स्वीट हो। I saw your Snapchat. You were playing with the kittens. You look so sweet in that. You like me playing with pussies? तूने मुझे कहा था ये कर वो कर, मैंने सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। यू नो वॉट इनके साथ मसला क्या है? इन लड़कियों के साथ सबसे बड़ा मसला ये कि इनसे प्यार करो तब इनको मसला, ना करो तब इनको प्रॉब्लम। वो भाई चाहती क्या है ये? इंसानों से ज्यादा बिल्लियों के बच्चों से प्यार है। वो भाई एक दिन बिल्ली का बच्चा के लिए शहद की मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। क्या हो, कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा, हो क्यूट दिस पुसी कैट, माय फुट। कभी कभी तो सोचता हूं कि बिल्ली का बच्चा ही होता, लेकिन इस सारे दौरानिए में कुत्ते का बच्चा बन के रह गया हूं मैं। मैंने फैसला कर लिया। ये हाथ देख रहा है ना तू, ये मेरा पहला और आखिरी साथी है। मैं इसी को यूज करूंगा अब, तू देखेगा अब। यू विल वॉच इट। यस, मेरी आंखों के सामने कभी तारे नाचते और कभी अंधेरा छा जाता है। मैं 3 साल से लगातार एग्जाम में फेल हो रहा हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी मोहब्बत भी नाकाम। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पर मैं कुछ भी नहीं, ना कुछ कमाता हूँ और ना किसी काबिल। से वो कर दे।
क्या है? क्या ये क्या है, चीटिंग करते हो? क्या कहा आपने जी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बिलाल है और मैंने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो सर मुझे जॉब पे रख लें। अगर जनाब ने इस जाय ममनुआ पर आज के बाद कदम रंजा फरमाए तो बादल नखास्ता जनाब के एजा पर इस कदर हावी हो जाऊंगा कि जनाब की सात पुश्तें याद रखेंगे। जरा दो मिनट बात सुनिएगा, कुछ जरूरी मामला तय करने आपसे। देखिए अंकल, मैं आपसे आपकी बेटी की शादी के बारे में बात करूँ जिसकी मुझे बहुत फिक्र है, और आज आप हरगिज़ इनकार नहीं कर सकते। पहले आपको मेरे शहजादेपन पर एतराज़ था, सो आज मैं बाकायदा नौकरी करूँ। अगरचे तनख्वाह सिर्फ 50,000 है पर ऊपर की आमदनी काफ़ी है, और शुरू में 50,000 को इतनी बुरी तनख्वाह नहीं होती, ख़ासतौर पर जब ऊपर की आमदनी शामिल। शायद अब आप ये फरमाएंगे कि इस सिलसिले में अपने रिश्तेदारों से दरियाफ्त करना चाहिए, सो ये बिल्कुल गलत है। रिश्तेदारों का काम तो वैसे भी उल्टे सीधे मशवरे देने। बताएं अंगूठी कब है?